सैफ अली खान, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम स्टार फिल्म भूत पुलिस को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। हाल ही में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लग रहा था फिल्म काफी जल्दी बड़े पर्दे पर धमाका करने वाली है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश को ऐसे चपेट में लिया कि फिर से लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। अब इस फिल्म भूत पुलिस को लेकर पता चला है कि फिल्म अब थिएटर्स में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके लिए लगातार बातचीत जारी है, लेकिन ऑफिशियली ऐलान होने का इंतजार है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर भूत पुलिस ओटीटी पर आती है तो निश्चित इस दौर में फैंस के लिए ये काफी बड़ी खबर होगी। इसके पहले भी कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म की बात करें तो इसे डायरेक्ट किया है पवन ने। इससे पहले राधिका आप्टे स्टार साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फोबिया और चर्चित रही हॉरर फिल्म रागनी MMS को डायरेक्ट किया था। वही भूत पुलिस एक हॉरर कॉमेडी है, मसाले से भरपूर है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म टिप्स और 12 स्ट्रीट एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा बनाई जा रही है। हॉरर कॉमेडी काफी समय से चर्चा में है और स्त्री जैसी फिल्मों ने तो सामने आकर कमाल का काम किया है। हालांकि उसका सीक्वल काइंड ऑफ बनाने की कोशिश की गई थी जानवी कपूर के साथ, बट वो कामयाब नहीं हो पाई। अब रही भूत पुलिस की कि क्या ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर सक्सेस हो पाएगी या नहीं। वेल, आपको क्या लगता है भूत पुलिस पर कि कितनी होने वाली है फिल्म की रेटिंग और फर्स्ट डे कितना होगा व्यूज इस फिल्म का, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।